बॉलीवुड में एक्ट्रेस तब्बू कभी अपने जमाने में हमेशा लीड एक्ट्रेस के तौर पर राज किया करती थी, लेकिन आज तब्बू को बतौर लीड एक्ट्रेस रोल प्ले करने का मौका नहीं मिलता। इसके बावजूद तब्बू अपनी जिंदगी में खुशहाली का मौका आने में कोई न कमी नहीं रखती हैं। अपने फैंस को हाल ही में तब्बू ने खुशखबरी दी। 48 साल होने के बाद अपने जन्मदिन के कुछ दिनों बाद ही तब्बू ने कर लिया है साइन एक आने वाली फिल्म को, जिसमें कार्तिक आर्यन और कियारा एडवाणी बतौर लीड कपल नजर आएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार विद्या बालन स्टारर फिल्म भूल भुलैया के दूसरे सिक्वल के बारे में, जिसमें तब्बू नजर आएंगी अहम भूमिका प्ले करते हुए। टीम को ज्वाइन कर तब्बू ने दे दी है ये खुशखबरी अपने फैंस को। मिली हुई रिपोर्ट की माने तो तब्बू भूल भुलैया 2 में जो अहम किरदार निभा रही हैं, वो बहुत ही ज्यादा मजाकिया अंदाज में और सीरियस रोल भी प्ले करती नजर आएंगी। अपने रोल को लेकर तब्बू काफी एक्साइटेड है। गौर हो कि जनवरी के महीने में फिल्म के कास्ट एंड क्रू को ज्वाइन करते हुए तब्बू जो है तैयार हो गई है बॉलीवुड में फिर कमबैक के लिए। उन्होंने टोटल धमाल फिल्म नहीं, लेकिन हाँ तब्बू ने काम किया गोलमाल के 4th सिक्वल में अजय देवगन के साथ पिछले साल, जिसके बाद फिर से वो बॉलीवुड में लौटने के लिए तैयार है। 3 महीने में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। लंदन और राजस्थान में फिल्म की शूटिंग चलेगी ये कहा जा रहा है। फिल्म का UPSC यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट को लेकर तब्बू का कहना है कि वो काफी ज्यादा खुश है। बताना चाहेंगे हम आपको इसी के साथ साथ कि तब्बू का इस फिल्म में किरदार बहुत अलग होने वाला है। केसरी रंग का कुर्ता पैजामा, हाथ में त्रिशूल और माथे पर तिलक के साथ रुद्राक्ष पहनकर कार्तिक जो अक्षय की भूमिका में इस फिल्म में नजर आएंगे, उनके साथ तब्बू को भी आप देखेंगे अहम रोल प्ले करते हुए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।